हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसमें एशियंट और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी चैप्टर हैं और कंप्यूटर साइंस, इन सब से कंबाइन पेपर हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी में 3 मार्च 2022। तो इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कंप्लीट। इसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन का था। और क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, माने जा सकते हैं कुछ क्वेश्चन टफ थे इसमें, बाकी आसान ही थे। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लगभग जितना मैंने कवर करवाया था इससे पहले, सब टोटल वहीं से क्वेश्चन आए। अगर आप लोग देखे होंगे तो ऑब्वियसली पूरा अच्छा होगा, हुआ होगा आपका एग्ज़ाम। तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आयन्स हैं मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+, फ्लोरीन आयन है, ऋण आयन और सल्फर 2-। इसमें से स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस पूछा है। तो स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस अगर देखा जाए, देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, नहीं, ये तीन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, दो इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस है ना, तो 10 हुए इलेक्ट्रॉन। इसमें 13 से 3 निकल गए, 10 बचे। इसमें 9 थे, 1- मतलब जुड़ गया, 10 हुए। तो ये तो 10-10 इलेक्ट्रॉन रखने वाले हैं, इनमें सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली बात होती तो बन जाता काम, बन जाता ना। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसमें पीरियड देखना पड़ेगा। देखो, जब पीरियड की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ पीरियड ज़्यादा होंगे तो उसका साइज बड़ा होगा। जैसे कि ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, नाभिक। जब पीरियड बढ़ेंगे तो उसमें सेल की संख्या बढ़ेगी, सेल का नंबर बढ़ता चले जाता है, ऑर्बिटल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो जितना बड़ा साइज होता चला जाएगा, मतलब जितने ज़्यादा पीरियड बढ़ेंगे उतना ज़्यादा साइज बढ़ेगा। तो उसकी रेडियस जो होगी, रेडियस क्या होती है, दो न्यूक्लियस के बीच की रेडियस, ये इसको बोलते हैं रेडियस, आयोनिक रेडियस, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि फ्लोरीन का पीरियड नंबर जो है वो सबसे कम है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम किस में आते हैं, देखो बेटा मांगे काला शर्ट, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड से आता है। बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है, ट्रिक होती है, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो बोरॉन फिर एल्युमिनियम, ये भी ये सेकंड से है, ये थर्ड से है, तो ये सेम पीरियड में आते हैं। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये ऊपर ही रखा है, मतलब सेकंड पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में केवल दो ही होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड वाले में फ्लोरीन आएगा। तो इसका पीरियड 2 है, मतलब पीरियड कम है तो इसमें ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कम होंगे, तो इसके बीच की जो इसकी आयोनिक रेडियस होगी वो कम होगी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटोमिक साइज, इसमें लार्जेस्ट एटोमिक साइज पूछा है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सोडियम मैग्नीशियम फ्लोरिन क्लोरिन दिया है, इसमें भी वही कंसेप्ट सेम लगेगा, क्या लगेगा, सेम कंसेप्ट लगेगा। सोडियम मैग्नीशियम फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन फर्स्ट सेकंड पीरियड से है, सेकंड पीरियड से, ठीक है, क्लोरीन थर्ड पीरियड से है, थर्ड पीरियड से है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड से है और सोडियम थर्ड पीरियड से है ना। सोडियम किस पीरियड से, हेलिना के रबड़ी से प्रूफ निकला, तो 1, 2, 3 थर्ड पीरियड है ना। मैग्नीशियम भी थर्ड पीरियड, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड, फ्लोरीन सेकंड पीरियड, इसमें लार्जेस्ट पूछा है। तो जिसका देखो एटॉमिक नंबर के, पीरियोडिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लोरीन तो पक्का गलत है, क्योंकि इसमें पीरियड कम है, मतलब ये सबसे छोटा होगा, इसमें लार्जेस्ट एटॉमिक साइज पूछा है। अब ये तीनों जो है सेम पीरियड से आते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, जब सेम पीरियड में के ग्रुप हों उसमें पूछा जाए लार्जेस्ट साइज, एटॉमिक साइज, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इधर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर सिलिकन आएगा, इसके बाद में क्या आएगा,
फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर देन उसके बाद में क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। ठीक, तो इस तरह से देखो जब इधर से इधर जाओगे तो एटॉमिक साइज घटेगा। ये थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड। फ्लोरीन का तो छोटा ही होगा क्योंकि वो सेकंड पीरियड का, उसमें पीरियड कम है, छोटा होगा साइज। ये थर्ड पीरियड के हैं, इसमें इधर जाने पर साइज घटेगा। सबसे बड़ा किसका होगा, सोडियम का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों होता है ये लेक्चर पूरा देखिए आप, उसमें समझ में आएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन समझाएंगे पूरा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज लार्जेस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी सबसे ज़्यादा हेलोजन की ही होती है, क्योंकि हेलोजन, हेलोजन के बाद जस्ट कौन से आ जाते हैं, इनर्ट गैसेस। मतलब इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इनर्ट गैस जैसे बन जाएंगे। जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन कोई भी ले लो, फ्लोरीन के पास बैलेंसर में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और दे दिया जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही ये कैसा बन जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, इनर्ट गैस। तो इनकी बहुत ही निगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा निगेटिव जो है, लार्जेस्ट निगेटिव क्लोरीन की होती है। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, सब कराए हुए क्वेश्चन है, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग विच आर पैरा मैग्नेटिक मोलिक्यूल्स। पैरा मैग्नेटिक के लिए बताए थे, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इवन होंगे और ओड होंगे, इवन होंगे तो क्या होगा, डाया मैग्नेटिक, और ओड के लिए क्या बताए थे, पैरा मैग्नेटिक। कल ही मैंने करवाया था, इससे पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पे। तो देखो इवन ओड, देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन एन टू मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ इवन, तो ये कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। क्या पूछा, पैरा मैग्नेटिक, तो ये तो गलत हो गया। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इवन है, लेकिन ये डाया मैग्नेटिक नहीं होता है, ये पैरा मैग्नेटिक है। इवन इलेक्ट्रॉन होते हुए भी पैरा मैग्नेटिक होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये तो है पैरा मैग्नेटिक, लेकिन इधर देखो 8, 6, 14 ये फिर से नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो O2 एक्सेप्शन ही है, इवन है इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी क्या है, पैरा मैग्नेटिक। बात करते हैं NO की, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, 8, 7, 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब ओड आया, तो ये तो पैरा मैग्नेटिक होगा ओड के लिए, और ये एक्सेप्शन है इसलिए पैरा मैग्नेटिक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, O2 एंड NO आर पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, अनुचुंबकीय अणु होते हैं, ऑक्सीजन मोलिक्यूल, मोलिक्यूलर ऑक्सीजन बोलते हैं उसके ना, आणविक ऑक्सीजन और NO। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ H3O+ आयन। इसमें बहुत ही इजी है, H3O+ पूछा है। देखो H2O देखें हम, ये होता है H2O। ठीक, H2O में इस तरह से 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन ये पूछा H3O+ में, H3O+ में लोन पेयर की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो देखो H3 क्या होता है, एक हाइड्रोजन H+ है, इसको ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन अपना एक लोन पेयर डोनेट करती है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसने अपने बैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर, तो ये है H3O+, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या लोन पेयर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 लोन पेयर आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स हैज अ फाइनाइट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पूछा है, देखो जो मोलिक्यूल्स होते हैं, सेम मोलिक्यूल्स, डाईएटॉमिक होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है, जैसे कि N2 है तो इसमें 0 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हैं। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट
इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक, तो सेम नाइट्रोजन सेम मोलिक्यूल है ना, तो जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी इस नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, जीरो, क्योंकि नाइट्रोजन की जितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन खींचने की उतनी इस वाले नाइट्रोजन की भी है ना, सेम मोलिक्यूल हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो ये अपनी ओर खींचेगा, ये सिंबल होता है डाइपोल मोमेंट का, तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। फिर करते हैं BF3 की बात, BF3 इसमें 120 डिग्री होता है क्या बॉन्ड एंगल, ये जितने भी F हैं एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बोरान से ऊपर की ओर ऐसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये साइन लगाओगे। ठीक, और ये जो फ्लोरीन है ये भी इधर को खींचेगा इस तरह से, समझ रहे हो, और ये वाला फ्लोरीन भी इस तरह से खींचेगा, तो कुछ ये खिंचाव हुआ डायपोल मोमेंट दर्शाया गया है। अब इसमें देखो ये 120 डिग्री क्या है, 120 डिग्री आप लोग फिजिक्स अगर 11th 12th में पढ़े होगे, मेनली 11th में, तो वेक्टर पढ़े होगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो है ये क्या होती है, आवेश चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में जब 120 डिग्री पे कोई दो फोर्सेस होते हैं, खिंचाव है, तो इनका जो है रिजल्टेंट मिड में होता है, रिजल्टेंट, ठीक है, परिमाण बोलते हैं हिंदी में, तो जितना ये होगा या ये होगा इन दोनों में से किसी एक के परिमाण के बराबर सेंटर में लगता है। तो ये भी फ्लोरीन था, ये भी फ्लोरीन था, ऊपर भी फ्लोरीन, तो ये दोनों फ्लोरीन है, इन दोनों में से किसी एक फ्लोरीन के बराबर का बीच में आएगा जब एंगल होगा 120 डिग्री, तो ये एक फ्लोरीन नीचे आ गया, मान लो ये दोनों काट दिए और क्या आ गया, एक फ्लोरीन, इन दोनों की वजह से, क्योंकि 120 डिग्री पे फोर्स लगा रहे थे ना, तो ये कुछ कंडीशन होती है, तो इस तरह से ये ऊपर खींचेगा और दूसरा फ्लोरीन नीचे खींचेगा, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को जीरो कर देंगे, तो ये भी जीरो होगा, CH4। जब भी चारों ओर सेम एटम आ जाएं, समझ लो कि उसमें कुछ नहीं होगा। अब कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, ये खींचेगा इस तरह से, और इस वाले हाइड्रोजन से भी खींचेगा, तो इस हाइड्रोजन से इधर, इससे इधर, तो एक दूसरे को जीरो कर देंगे, फिर ऊपर से इधर आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये भी एक दूसरे को जीरो करेंगे, इसमें भी जीरो आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B इज करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड में नियत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है, फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, इसको फजांस रूल के थ्रू हम लोग करेंगे। इससे पहले मैंने कई बार, देखो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो आज, आपको विश्वास नहीं, आप पीछे जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर मैंने डाले उसको देखिए जाके, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, एक भी नहीं छूटने वाला है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से लगभग, और DDU से भी रिपीट हुई हैं, कंसेप्ट सब वही होते हैं। देखो इसमें आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को हम देखते थे फजांस रूल के थ्रू, ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसमें देखो क्लोरीन सब में सेम है, क्लोरीन सब में सेम है, जब एनायन सब में सेम हो जाता है तो हम केटायन को देखते हैं। फजांस रूल क्या कहता है, फजांस रूल कहता है मोस्ट, मतलब ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, स्मॉल कैटायन प्लस लार्ज एनायन, एनायन लार्ज होना चाहिए, कैटायन स्मॉल होना चाहिए। अब यहाँ पे एनायन कौन है, क्लोरीन, निगेटिव चार्ज वाला कौन है, क्लोरीन, इन पे तो प्लस चार्ज होगा, तो केटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल। अब देखो ये जो है ना, इसमें सबसे छोटा एनायन कौन होगा, सबसे छोटा होगा मैग्नीशियम, तो ये होना चाहिए ज़्यादा कोवेलेंट, लेकिन यहाँ ये आयनिक है ही नहीं, ये तो टोटली कोवेलेंट है,
तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, ठीक है, जो CCl4 होता है इसमें पूर्णतया कंप्लीटली चारों बॉन्ड कैसे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के। और इनमें हम देखेंगे तो इनमें आयोनिक बॉन्डिंग है लेकिन कुछ कुछ परसेंटेज जो है कोवेलेंट कैरेक्टर है जिसको फजांस रूल के थ्रू निकालते हैं। लेकिन कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो कम्प्लीटली ये देखो आयनिक फॉर्म में होता है, नहीं होता है, ठीक है, ये टोटली कैसा है कोवेलेंट कैरेक्टर वाला, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वांडर वाल्स इंटरेक्शन। वांडर वाल्स इंटरेक्शन का कौन एग्जाम्पल है, तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वांडर वाल्स इंटरेक्शन का क्या होता है, वांडर वाल्स इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होता है, HCl इस तरह से इनमें इंटरेक्शन होगा। अब देखो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन को अपने अपने इधर खींच लेता है, तो इस पर डेल निगेटिव इस पर डेल पॉजिटिव होगा चार्ज, ऐसे यहाँ भी डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव होगा, तो इस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, इस तरह से इंटरेक्शन हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल। अब क्योंकि ये भी क्या था, पोलर मॉलिक्यूल था, पोलर या डाइपोल बोलो इसको, डाइपोल का मतलब क्या होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में माइनस और प्लस दोनों चार्ज आ रहे हो निगेटिव पॉजिटिव, ये भी कैसा है पोलर या डाइपोल बोल सकते हो, तो दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये एग्जाम्पल है वान डर वाल्स इंटरेक्शन का, टाइप करेंगे वान डर वाल्स इंटरेक्शन या वान डर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन, बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक है, कोई भी टॉपिक इसमें से लिख के पीछे लगा देना चैनल का नाम मेरे, ठीक है, आपको मिल जाएगा सेपरेट लेक्चर, आराम से देखिए उसको समझ जाएंगे आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, विच पेयर इज रोंगली मैच, जिसमें से गलत कौन मैच है, ठीक, चारक जो है मेडिसिन से रिलेटेड थे साइंटिस्ट, सुश्रुता ये जो है इंडियन फिजिशियन है, क्या है फिजिशियन, सर्जरी से रिलेटेड है, ठीक है, सर्जरी करती हैं, फिजिशियन है सुश्रुता, डॉक्टर हरगोविंद खुराना सबको पता होगा जेनेटिक कोड खोजे थे जो ट्रिपलेट में होते हैं ना, UAG UGG UGA यही सब है ना, जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं आइसोल्यूसिन ल्यूसिन फेनिलएलानिन थ्रियोनिन इन सब के कोड होते हैं, तो उसको हरगोविंद खुराना ने डिस्कवर किया था, उसी से रिलेटेड है। आपका रोंग मैच है ऑप्शन डी, डॉक्टर SN Bose ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक, ये MBBS किए थे डॉक्टर, MBBS हैं ये, ठीक है, MBBS डॉक्टर है SN Bose, ये जूलॉजी से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट, तो ये तो सबको पता ही होगा आप लोगों को, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जो थे, PC Ray भी इनको बोलते हैं शॉर्ट में, यही हमारे इंडियन केमिस्ट्री के फादर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द अमाउंट ऑफ रिपल्सन अमंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज मैक्सिमम इन अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी, आपको कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, अगर कल ही आप देख के गए होंगे तो 100% कल मैंने जो केमिस्ट्री का डाला था शाम को लेक्चर, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था और सेम वही क्वेश्चन आज पूछा गया। मैंने बताया था BSEPR थ्योरी जो होती है, BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर, और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, देन उसके बाद में आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर उसके बाद में बॉन्ड पेयर, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, मैक्सिमम पूछा है लोन पेयर में, तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना अच्छे से एकदम मस्त, हिंदी में भी मैं पढ़ दूँ, कुछ बच्चे हिंदी से भी हमसे जुड़े रहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय, किसी अणु की संरचना निर्धारित होती है बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, केवल आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा, या लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, केवल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा, बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों आबंधी एवं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा, नाइदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना तो आबंधी और ना ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा। तो आपको बता दें जब किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देखते हैं, ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2O की संरचना बनानी है,
तो केवल तुम बॉन्ड पेयर से बना सकते हो या लोन पेयर से नहीं बनाओगे। H2O की एग्जैक्ट करेक्ट जब स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसे बना दिए H2O, ये सही है? नहीं है सही। जब तक आप दो लोन पेयर साथ में नहीं दिखाओगे तब तक नहीं, तो बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ओके, दोनों जब प्रेजेंट होंगे उस स्ट्रक्चर में तो वो सही होगा, स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों आबंधी एवं एकाकी इलेक्ट्रॉनिक मुंह द्वारा दर्शाया जाता है स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉन्ड एंगल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज, sp3d2 संकरण के कारण उत्पन्न होने वाला कोण क्या है? तो इसमें जो है 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 14, द VSEPR थियरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो ये तो बहुत ही इजी है, 11th में भी आपको क्वेश्चन पढ़ा होगा, 11th में केमिकल बॉन्डिंग में। VSEPR सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सिडविक तथा पोवेल, दो साइंटिस्ट थे सिडविक एंड पोवेल, इन्होंने ही प्रपोज किया था इस थियरी को। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछा है। जो पीरियडिक टेबल होती है हमारी, ठीक है, इस तरह से कुछ पीरियडिक टेबल होती है ना, इसमें जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बढ़ती है, और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तब भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। समझ में आ रहा है ना? तो पूछा है क्या, अल्कलाई मेटल्स, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप होगा तुम्हारा हाइड्रोजन वाला, जो है हाइड्रोजन लिथियम वाला, ये है अल्कलाई मेटल्स फर्स्ट ग्रुप। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप, अल्कलाइन एरिथमेटल मतलब बेरिलियम वाला, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाला, ठीक है, तो ये कैसा है, ये सेकंड ग्रुप की बात की जा रही है ग्रुप। ऑक्सीजन ग्रुप सीधे ग्रुप ही लिख दिया है, ऑक्सीजन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, अल्कलाइन, ये इसमें पूछा है, तो इसमें सही कौन सा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लीस्ट पूछा है, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इधर को जा रहे हो बढ़ रही है, मतलब सबसे पहले जो इधर होगा उसकी सबसे कम होगी, जो अल्कलाई मेटल्स हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सब गलत है तीनों, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए अल्कलाई मेटल्स, इनकी जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती है, यही कारण है, जब देखो इधर से इधर जाओगे तो सबसे ज़्यादा, और नीचे से ऊपर जाओगे फिर भी बढ़ती जाएगी, तो जो टॉप पे यहाँ पे होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, समझ रहे हो, फ्लोरीन इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, अगर इनर्ट गैस को छोड़ दें तो। क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड बाय, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मापन किससे करते हैं, तो हम पोलिंग स्केल से भी करते हैं, मुलिकन स्केल से भी करते हैं, और अलर्ट राचो स्केल जो होती है इससे भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव तीनों ऐसी स्केल हैं जिसके थ्रू हम माप सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, मेजर कर सकते हैं। क्यों बेसिक क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज इन कंप्यूटर, निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक हाई लेवल लैंग्वेज है, C++, जावा स्क्रिप्ट, ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों हैं हाई लेवल की, और भी होती हैं हाई लेवल की कुछ, ठीक है, तो इसमें तीन ही दिया था, तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ से आया है, आइसोमेरिज्म से आया है, सिस्टम्स आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं, ईजन नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेड आइसोमर, जेड आइसोमर क्या होता है, जेड आइसोमर को हम सिस आइसोमर भी बोलते हैं, सिस आइसोमर, देखो
आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ कम समय में ही, सी डबल बॉन्ड सी, जब सेम ग्रुप एक और होते हैं, ठीक है, इधर मान लो वाई 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 है, जब एक और सेम ग्रुप होते हैं तो इसको बोलते हैं सिस, पता होगा, और इसी को हम जेड भी बोल देते हैं। और जब सेम ग्रुप अपोजिट होते हैं तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्रांस, और ट्रांस किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल, ई इक्वल है ट्रांस के और जेड इक्वल है सिस के। लेकिन बात क्या है, जेड और ई जो है, ई जेड सिस ट्रांस देखते हैं मॉलिक्यूल को देख के सेम है या नहीं सिस ट्रांस में, और ई जेड नोमेनक्लेचर में हम एटॉमिक मास देखते हैं, ठीक, मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको देखते हैं। तो इसमें देखिए जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, अब एक एक कार्बन को पकड़ेंगे, इस पर जो दो लगे हैं इनमें देखेंगे जो मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन के, तो इसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे और इसको सेकंड देंगे। अब इसमें देखो इस कार्बन से जुड़े आइटम जो है, इधर CH3 है और इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, और इधर कार्बन का 6 और 3 हाइड्रोजन, 6 3 9, तो ये ज़्यादा जाएगा ना। इस कार्बन पे दो एटम्स जुड़े हैं, ये मॉलिक्यूल और ये एटम्स, तो इनमें ज़्यादा किसका मास है, CH3 का, तो इसको भी प्रायोरिटी 1। अब दोनों देखो लार्जेस्ट मास वाले प्रायोरिटी 1 1 वाले सेम साइड है, तो मतलब ये सिस टाइप के हैं, तो इसको जेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेड। तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा हमारा इस तरह से, और किसी में भी नहीं मिलेगा। देखो इस कार्बन पर देखें तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा क्लोरीन से, और इसमें इसको फर्स्ट मिलेगी, तो ये एंटी हो गए, ये ई फॉर्म है, क्या है, ई है, या इसको ट्रांस बोलोगे, ट्रांस बोलोगे, ठीक है, या एंटी बोलोगे, सिन एंटी सिस ट्रांस ई जेड आर एस, ये सब नोमेनक्लेचर के नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। अब इसमें देखो, तो इसमें तो देखो इसमें भी वही हुआ, इधर देखो तो ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, और इस कार्बन पे ये दो लगे हैं तो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्लोरीन, फर्स्ट प्रायोरिटी, ये भी कैसा हो गया, एंटी या ट्रांस या ईज ई नोमेनक्लेचर। और इसमें देखो हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, तो इस कार्बन में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इस कार्बन में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये भी एंटी हो गए या ई हो गए, तो जेड पहला ही था केवल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्जेन मॉलिक्यूल। साइक्लोहेक्जेन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्जेन का, ठीक है, सिंपली यही स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्जेन। इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इसके देखो कई सारे फॉर्म होते हैं, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर। इसका जो चेयर फॉर्म है, इस तरह से बनता है चेयर फॉर्म, ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा, तो चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक, क्योंकि ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट। निम्न अणुओं में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है। पहला है आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, डाइब्रोमोबेंजीन लिया गया है BR, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो पहला है ऑप्शन ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, मतलब ऑर्थो पे ब्रोमीन लगा होगा, दो ब्रोमीन है इसलिए डाई लग जाएगा, ये ऑर्थो पे लगा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, ऑर्थो पे लिखा लगा है तो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, बेंजीन पे ही लगे ना। और क्या है, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, तो दूसरा कैसा होगा, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे लगा होगा, कहाँ, मेटा पे, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन मिल गया। फिर है पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, ये क्या है, BR के रिस्पेक्ट में पैरा पे लगा हुआ है BR, तो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। लास्ट है 135 डाइब्रोमोबेंजीन, या सिन ट्राइब्रोमोबेंजीन भी बोलते हैं इसको, ये हो गया BR, और ये थर्ड पोजीशन पे, ये फिफ्थ पोजीशन पे, यहाँ से नेमिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, इसको सिन ट्राइब्रोमोबेंजीन भी बोलते हैं, सिन ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है।
इसमें बताना है लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट आपको पहले ही बता दिए थे, ये कार्बन से जुड़े हुए हैं जहाँ भी ब्रोमीन है, कार्बन से ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये ऊपर खींचेगा ये नीचे खींचेगा, एक दूसरे को नष्ट करेंगे, हो जाएगा जीरो। जो पैरा वाला है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, इसमें देखो 120 डिग्री वाली बात आ गई। इसमें छः एंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6 पूरी रिंग 360। रिंग का कितना होता है, एक रिंग हो सर्कल हो उसका एंगल होता है 360 डिग्री। और इसको छः पार्ट में बांट दिया है षटकोण में, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक में एंगल 60 का होगा ना। देखो छः एंगल में बटा है, 60 60 का होगा जब, तो 6 6 36 360 एंगल बन जाएगा ना, 360 डिग्री तो 60 60 का होगा। अब दो में तो दो का कितना होगा, 120। मतलब जब बी आर 120 डिग्री पर होंगे, और ऊपर तो वो लगा ही है बी आर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच में आएगा बी आर के ही बराबर, और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि एंगल 120 डिग्री। अब ऊपर भी बी आर नीचे भी बी आर, तो एक दूसरे को नष्ट करेंगे, मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। बात करते हैं मेटा और ऑर्थो की, जिसके बीच में एंगल कम होगा उसमें मैक्सिमम होगा डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो ये उधर खींच रहा है इधर खींच रहा, तो खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी कंपेयर देन, इसका कंपेरिजन करो तो ज़्यादा क्लोज है, तो ये कहीं और खींच रहे हैं, ये थोड़ा उधर जा रहा है इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 22, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद सोबाय, ज्यामितीय समावयवता कौन प्रदर्शित करता है। देखो ज्यामितीय समावयवता के लिए डबल बॉन्ड की ज़्यादा पहली कंडीशन है, सेटिस्फेक्शन है इसका, कि सेटिस्फाई कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं जिसके थ्रू हम पहचानते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं, ज्यामितीय समावयवता। तो सेकंड फर्स्ट है, मतलब जैसे कि दो कार्बन के बीच में या कोई और दो एटम्स हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन नहीं होता है, डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाता ही नहीं, ठीक है, यहाँ रिस्ट्रिक्ट होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड इसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब ये घूम जाते हैं, रोटेशन हो जाता है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, ज्यामितीय समावयवता। बात करते हैं इसकी, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस भी बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाएगा, मतलब ये दोनों क्या है, सेम साइड है, तो कैसा फॉर्म है, सिस है। अगर इनको चेंज कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऊपर C2H5 कर दो और नीचे CH3H, अब देखो यहाँ CH3 था ना, CH3 ये वाला, केवल इसको चेंज किए, अब ये अपोजिट साइड में, मतलब ट्रांस हो गए, सिस ट्रांस समावयवता दिख रही है, ये सिस है सेम साइड में और ये ट्रांस है क्योंकि अपोजिट साइड में है, सेम साइड अपोजिट साइड, सिस ट्रांस। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये जो है ये इसका सिस है और ये इसका ट्रांस है, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी एग्जाम्पल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें मिलेगी। इसमें भी डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ये नाइट्रोजन, अब कहोगे इसमें तो एक ही जुड़ा है, इधर एक है ही नहीं, ये डबल बॉन्ड जो है इसको तुम रेफरेंस पॉइंट मानोगे, इसके इधर उधर देखना है, अब ऐसे करके हम तुमको दिखाएं, ये नाइट्रोजन जो है इधर एक बॉन्ड दो इधर, मतलब तीन बॉन्ड बनाए, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरह से लोन पेयर होगा, लोन पेयर को भी हम देखते हैं इसमें जब आइसोमेरिज्म में। अब इसमें हम इसको मानेंगे ऑक्सीजन को रेफरेंस, इसमें दिखाते हैं आपको बना के, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर लगा है C6H5 और इधर लगा है तुम्हारा CH3 और नाइट्रोजन से OH और इधर तुम्हारा लोन पेयर, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, एक बार इसके सामने कौन है C6H5 और दूसरा और स्ट्रक्चर इसका बन सकता है
कि CH3 ऊपर हो और CH6H5 नीचे हो, डबल बॉन्ड N OH। तो इसमें भी देखो, इसमें भी अपोजिट हो रहे हैं ना, ये सिस फॉर्म होगा जब ऑक्सीजन के सामने किसी को, मतलब जैसे कि ये ज़्यादा मोलिकुलर वेट वाला है तो ये सिस फॉर्म दर्शाएगा इसके सामने, और ये कम वाला है तो ट्रांस। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। और डबल बॉन्ड जरूरी है, प्रेजेंट होना जरूरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। केवल एक एक्सेप्शन है, वही तुम्हारे एग्जाम में दे दिया गया है, डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन दोनों में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, और ये एक्सेप्शन है तो इसलिए इसमें डबल बॉन्ड ना होते हुए भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूसेस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन प्रोड्यूस करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो, डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? A2C=CA2, ये कैसे हैं, सी डबल बॉन्ड सी, ए टू हैं, इधर भी ये, इधर भी ये, ए ए, इसमें खूब ऊपर नीचे कर लो, वही तो रहेगा ए ए, तो कहाँ सिस ट्रांस हो जाएगा? ट्रांस के लिए अपोजिट होना चाहिए ना, ये को ऊपर हो, वो इधर हो, सामने ना हो, और इसको ऊपर नीचे करोगे कुछ नहीं होगा। इसी तरह से इसमें देखो, सी डबल बॉन्ड सी, बी बी, ये बी टू है ना, यहाँ पे ए ए। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, आप इनको बदलोगे तो बी ही रहेगा ना, ऊपर ले जाओगे फिर भी बी रहेगा, क्योंकि सेम है ना, एक ही कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। एक ही कार्बन पे जब डिफरेंट ग्रुप होंगे तब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। इसमें ए नीचे भी है ऊपर भी है, तो इसको कितना भी चेंज करो वही रहेगा ना, कहाँ सिस ट्रांस होगा? ये वाला देखे, सी वाला, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे बी है, बी है, और यहाँ पे ए है और बी है। अब ये तो ठीक है, चलो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ नहीं डिफरेंट है, यहाँ तो सेम है। ये बी बी देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो मान लेते हैं हम ट्रांस। फिर इसका जब दूसरा बनाएंगे तो बी बी रखेंगे, अब इसको पलटो, ऊपर बी ले जाओ और नीचे ए लाओ, अब भी तो ये इसके ट्रांस है। इस वाले में ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, बी बी, और यहाँ भी देखो ए की तो बात ही नहीं करोगे, ए दूसरा है ही नहीं इधर, तो जो ट्रांसिस देखो बी के बात करोगे तो इसमें ये अपोजिट साइड में है, यहाँ फिर भी फिर से आ जा रहा है वही, तो दोनों ट्रांस ही बनने हैं, ट्रांस ट्रांस। तो ये सिस ट्रांस का एग्जांपल नहीं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका डी, ए करेक्ट है। इसमें देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब देखना अच्छे से, ए और ए सेम साइड में है, ए बी और बी सेम साइड में है, कैसा होगा सिस? अब इसका उल्टा बनाओ, इसको बदल दो, एक को कांस्टेंट रखो, एक को बदलो, ऊपर बी ले जाओ, नीचे ए, और यहाँ पे ए और बी रहने दो। अब देखो ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, ट्रांस हैं, अपोजिट, और ये भी क्या है, ट्रांस हैं, ट्रांस अपोजिट। देखो इसमें ए ए सेम साइड, बी बी सेम साइड, सिस हो गया। इसमें बी बी अपोजिट, ए भी अपोजिट, तो कैसा होगा, ट्रांस। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या करता है, शो करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24, डी लैक्टिक एसिड एंड यल लैक्टिक एसिड, ये यल है ठीक है, डी एल फॉर्म पढ़े होंगे आप लोग, आर इनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो आपको बता दें जो लैक्टिक एसिड होता है, क्या लैक्टिक एसिड, इसका फार्मूला होता है C3H6O3, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो COOH CH3, ये क्या है, लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, लैक्टिक एसिड होता है। इसका डी फॉर्म क्या होता है, देखो ये है पेनल्टीमेट कार्बन, क्या है, पेनल्टीमेट कार्बन, ऊपर ये लगा है ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इससे नीचे जो ये है ना, ये नीचे से देख सकते हो, तो
तो इसमें देखो OH जब राइट साइड आएगा, OH जो है ये राइट साइड है, राइट साइड जब होगा तो क्या होगा, डी फॉर्म, ये है डी लैक्टिक एसिड। और इसका जब लेफ्ट में आ जाए OH, लेफ्ट में आ जाए इस तरह से, देखो यहाँ फिर से बना दें COOH, OH, H और CH3, दूसरा COOH, H, O, H, CH3, ये है डी लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और ये है L लैक्टिक एसिड, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये एक दूसरे के मिरर इमेज, इसके सामने शीशा रख दो, मिरर रख दो, तो ये उधर जब छपेगा मिरर में, ये मिरर के अंदर आ रहा है और ये बाहर है, मिरर इमेज, तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी ना। हम अपने को देखते हैं तो कैसे दिखते हैं शीशे, वैसे ही सोचो, इमेजिंग करो। इसको जब शीशे के पास ले जाएंगे, या नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक कॉपी पे बनाओ ये स्ट्रक्चर, फिर शीशा लेके आओ, या फ़ोन से अपने मोबाइल को करो ऐसे, देखो ये इसी तरह से आएगा। इन दोनों को जब इस वाले को उठा के ऐसे इस पे रखोगे, इसको उठा के ऐसे इस पे रखोगे, तो इसका OH इस साइड में जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ये नॉन सुपर इम्पोज होंगे। इन दोनों को बोलते हैं इनेंसियोमर, क्या बोलते हैं, इनेंसियोमर, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं इनेंसियोमर, ठीक है। ये डी फॉर्म है क्योंकि इसमें राइट साइड में OH है, और लेफ्ट साइड में जब OH होगा पेनल्टीमेट कार्बन पे, तो वो रियल फॉर्म बनाता है, ठीक है, डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्केल द करेक्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज। अब देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलत करके आए होंगे, क्योंकि पढ़ के जाते हैं फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, यहाँ ठोक के चले आएंगे, लेकिन ये गलत है। फ्लोरीन का तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद में ऑक्सीजन आता है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कर दिया, तो सीधा गलत है। ऑक्सीजन यहाँ होता, नाइट्रोजन यहाँ, तो ये सही हो जाता। फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, देखो गलत कर दिया, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन से भी ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ सबसे पीछे कर दिया, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर हो गया कुछ ढूंढना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर। कितना चिल्ला चिल्ला के बताए थे भाई, बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इससे तीन चार क्वेश्चन पूछा बॉन्ड ऑर्डर से। कल वाले लेक्चर में भी मैंने अच्छे से बताया था बॉन्ड ऑर्डर निकालना, इसमें पूछा लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन गिन लो, तुरंत इसमें से काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 14 को रेफरेंस मानो, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके ऊपर नीचे जाओगे 0.55 घटाते जाओ, 0.55 घटेगा, ठीक है, किस तरह से, जब 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही, 14 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, तब होगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 रह जाएगा, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, इस तरह से घटेगा। ऐसे ही ऊपर जाओगे तो यहाँ जब 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.5, 14 पे 3 था, 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5 और 10 पे 1। तो इसमें देखो लीस्ट पूछा है, N2 में इलेक्ट्रॉन 14, इसमें कितने होंगे 8 6 14, इसमें 8 2 16, 8 7 15, 14 14 के लिए क्या है 3 हाईएस्ट, तो 14, देखो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं O2 की, O2 है 16 के लिए आ रहा है 2, 16 के लिए क्या आ रहा है 2, 15 के लिए क्या आ रहा है 2.5, तो लीस्ट किसका है, कम है 2, 2 सबसे कम है ना 16, तो ये O2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, निम्न अणुओं में से किसका बंधकोट न्यूनतम है, तो इसमें न्यूनतम होगा ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच मोलिक्यूल इज इन लिक्विड स्टेट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O और अमोनिया, ये तीनों क्या हैं लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ में फोन प्रेजेंट हो, फोन मतलब
फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है और हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, कैसे होती है ब्राइटली बता दूँ, इस तरह से दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, इस पर डेल निगेटिव होगा, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल निगेटिव, तो इसी तरह से इसमें इंट्रैक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई प्रकार की बॉन्डिंग नहीं है, एक प्रकार का आयोनिक इंट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट में तीनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस हैज मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर, मैक्सिमम पोलराइजेशन, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा उसका जो पोलराइजेशन पावर है वो भी ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। चार्ज ज़्यादा है एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम 3+ स्टेट में है, तो इसकी पोलराइजेशन पावर जो है वो मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 29, द परसेंटेज यस कैरेक्टर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज, बहुत इजी, इस तरह से सोचो sp3 हाइब्रिडाइज पूछा है, मतलब ये यस होगा और 3p बना लो, ये है यस और ये 3p है। अब देखो ये पूरा मिला के 100% होगा, इसमें से यस पूछा है तो यस कितना है, 1/4 है ना, 1/4 है, 4 में से एक पार्ट है यस का, 4 खाना में एक खाना है, 4 डिब्बे में एक डिब्बा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आगे दिखाएंगे प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछा, 1/4 मतलब 100 में से 1/4 25% होगा ना। देखो 25 25 25 25 मान लो सबको बराबर ही होंगे ना सबका परसेंटेज, तो 25 इसका हो गया, तो 25 हो गया ना यस का, और 25 25 50 25 75 25 25 50 और फिर 25 75, तो ये होगा 75% पी कैरेक्टर और यस कैरेक्टर 25%। समझ में आ रहा है, यस कैरेक्टर होगा 25% और पी कैरेक्टर होगा 75%। यहीं पे बात करते अगर sp2 की तो ये हो जाता 33.33% और ये कितना होता 67.77% 66.77% जाता। समझ में आ रहा है ना, अगर sp की बात होती तो ये भी 50% और ये भी 50%, तो इसका राइट आंसर 25% हो जाएगा sp3 में। क्वेश्चन नंबर 30, यच एटम्स आर मोस्ट एसिडिक इन, जो हाइड्रोजन एटम है मोस्ट एसिडिक किस में होता है, मीथेन, इथेन, इथाइन, इथेन या इथाइन, तो ये इथाइन में सबसे ज़्यादा होता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होता है ना हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है मोस्ट एसिडिक होता है, क्या होता है मोस्ट एसिडिक होता है। तो इसमें अगर ऑर्डर पूछे, सही पूछा तो ये अगर ऑर्डर पूछ लेता तो पहले आता इथाइन, इसको नंबर 1 देते, फिर आता इथीन, फिर उसके बाद में आता इथाइन, फिर उसके बाद में आता मीथेन, तो इस तरह से ऑर्डर होता है इसका, इथाइन देन इथीन फिर इथेन फिर मीथेन। अगला क्वेश्चन है 31, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन अ पी ऑर्बिटल इज, तो पी ऑर्बिटल में एक ही एंगुलर नोड होता है, एंगुलर नोड जो है एंगुलर नोड इज इक्वल टू यल, यल जानते हो क्या होता है, यल एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम, एजीमुथल नंबर बोलते हैं, ठीक क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, यस के लिए अगर देखा जाए तो 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, तो पी के लिए क्या है 1 है, पी ऑर्बिटल के लिए ही एंगुलर मोमेंटम पूछा है, एंगुलर नोड बराबर होता है यल के, और पी का यल कितना है 1, तो एंगुलर नोड 1 हो जाएंगे। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट फास्टेस्ट बाय S1 रिएक्शन, S1 SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ये कार्बोकैटायन है ना, जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा वो रिएक्शन तभी फास्ट होगी जब उसकी डिग्री ज़्यादा होगी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है,
बिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकैटायन। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन, देखो जो 3 डिग्री होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो फास्ट रिएक्शन करेगा एस एन वन। तो इसमें देखो अगर यहाँ से बी आर माइनस को निकाला जाए, ये माइनस निकल जाए, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, ये कार्बन है इधर बी आर जुड़ा है, बी आर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर माइनस इस पर प्लस बना कार्बोकैटायन, इस पर माइनस इस पर प्लस, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इस तरह से, तो इस पर माइनस आएगा और इससे प्लस आएगा, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, इसमें देखो ये है 3 डिग्री, सी से 3 CH3 जुड़े, CH3 का होल थ्रॉइस मतलब 3 CH3 ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ये इधर बी आर जुड़ा था, इस पर माइनस चार्ज आया, बॉन्ड लेके भग गया, इस पर प्लस चार्ज आया, ये है CH3 और CH3। इस कार्बन से जुड़े कितने कार्बन हैं, 1, 2, 3, तो कितने डिग्री हुआ, 3 डिग्री, जिस पर प्लस चार्ज है ना, इससे जुड़े कार्बन 2 होंगे तो ये कैसा होगा, 2 डिग्री, इससे जुड़े कितने 3, तो 3 डिग्री, अब इससे जुड़े कितने 2 CH3 मतलब 2 कार्बन, तो 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इससे इस वाले कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, और ये CH3+ बचेगा, इसको निकाल लोगे, CH3+ मतलब मिथाइल कार्बोकैटायन, ये सबसे लास्ट में, फिर उसके बाद में 1 डिग्री, फिर उसके बाद में 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये जो है CH3 का होल थ्रॉइस BR, ये क्या होगा, कैसा होगा, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन देगा SN1। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स इज, 7 बॉय हैं, 7 बॉयज़ प्लस 5 गर्ल्स, इनमें से अगर किसी एक लड़के को चयन करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल कितनी होगी, 12 हो गए टोटल, लड़की और लड़के को एक में मिक्स कर दिया गया, मान लो लड़के और लड़के बहुत छोटे हैं, 1-1 सेंटीमीटर के हैं, और उनको एक पॉलीथीन में डाल दिया गया, फिर आपको कहना है, आपको हाथ डालना है उस पॉलीथीन में बिना देखे हुए, ठीक, उस पॉलीथीन में आपसे बोला गया कि लड़के को निकालो, तो कितनी संभावना है कि कितने बार में आप निकाल सकते हो, क्या प्रोबेबिलिटी है लड़के की निकालने की, तो टोटल उसमें कितने हैं बालक और बालिकाएँ, 12, उसमें से लड़के कितने हैं, 7, ठीक है, तो 7/12 उसका प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। 34 का देखो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, द शेप ऑफ ClF3 मोलिक्यूल इज, ClF3 का कैसा होता है शेप, ये है ClF3, क्लोरीन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1, 2, 3 बॉन्डिंग में गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से नीचे और ऊपर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और ये क्या होगा इसका, इस तरह से ये क्लोरीन होंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, तो इसमें देखो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है, होता तो है ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे 2 पिरामिड बन रहे हैं, तो बाई पिरामिडल हो गया, और ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है, और एक ऊपर की ओर, एक ऊपर की ओर बनना है पिरामिड, एक नीचे की लोन पेयर की ओर, तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल होता है, लेकिन यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल दिया हुआ है, तो हम इसी को मान के चलेंगे सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 36, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनान एटम इन जेनान डाइफ्लोराइड मोलिक्यूल, ये है जेनान डाइफ्लोराइड, ये लीनियर होता है, जेनान
इनर्ट गैस है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब दो यूज हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस तरह से लोन पेयर भी इसके पास प्रेजेंट होंगे, 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3d होता है, इसको भी मैंने कवर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 37, स्टेलर रूल आर यूज टू मेजर। स्टेलर रूल को हम मुख्यतया जेड इफेक्टिव निकालने के लिए मेजर करते हैं, जेड इफेक्टिव को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं स्टेलर रूल को, ठीक है। जेड इफेक्टिव जो जेड इफेक्टिव होता है, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटोमिक साइज। अगर एक ही एटम दिया है, सेम एटम, देखो क्लोरीन क्लोरीन ही दिया है, तो जब सेम एटम होता है, मान लो एक्स की बात करें, तो सबसे बड़ा होगा जब एक्स माइनस होगा, और जब न्यूट्रल होगा तो बीच में आएगा, और पॉजिटिव वाला सबसे कम, क्योंकि माइनस चार्ज बढ़ाते जाओगे तो उसका साइज बढ़ता जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से बताए थे ना, अगर कोई सेम मोलिक्यूल में आयनिक फॉर्म में पूछ रहा है, एक्स का ही पूछ रहा है, तो जो एक्स का निगेटिव होगा वो सबसे बड़ा, और इसका पॉजिटिव जो होगा वो सबसे छोटा, तो बीच में आ जाएगा जो न्यूट्रल होगा, तो इस तरह से साइज होता है, ठीक। वह पूछ ले सोडियम प्लस, सोडियम माइनस, और सोडियम में कौन बड़ा है, तो सोडियम माइनस सबसे बड़ा, उसके बाद में सोडियम, फिर उसके बाद में सोडियम प्लस, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो रेंडम एक्सेस मेमोरी जो है मेमोरी से ही रिलेटेड होता है, ठीक है, स्टोरेज का ही काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। जो पंच्ड कार्ड होते हैं, ठीक है, लगे हुए जुड़े हुए जो पंच्ड किए हुए कार्ड हैं, ये आउटपुट जैसे काम करते हैं। इनपुट क्या होता है, जो सूचनाओं को देते हैं, डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्कैनर प्रिंटर या ऑप्टिकल मार्कर रीडर जो है, ठीक है, OMR इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, OMR, ये सब कैसे हैं, इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये क्या है, आउटपुट जैसे भी हो करता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको बताना है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग देखे होंगे, ये तो सही है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉरी इसके इस क्वेश्चन के लिए तो गलत है, लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, DOS भी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल नाम होता है, DOS का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो पाइथन जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन आ कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में हम लोग टाइप करते हैं, मतलब सूचना को दे रहे हैं, डाटा को दे रहे हैं, तो जब दे रहे हैं तो कोई इनपुट हुआ ना, किसी चीज़ को मतलब उसमें इनपुट कर रहे हैं। इनपुट क्या मतलब क्या होता है, जो प्रारंभिक होता है दे रहे हो, आउटपुट मतलब जो उत्पाद प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आउटपुट डिवाइस पूछा है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, माउस क्या है, इनपुट है, रैम क्या है, इनपुट है, सब डाटा से रिलेटेड है। प्रोजेक्टर जो है ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है, इससे पहले मैंने बताया है। द रिएक्शन CH4 प्लस Cl2 HNO, मतलब लाइट डाली गई है, मतलब इसमें क्लोरीनेशन कराया गया है, मेथेन का क्लोरीनेशन, तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें हुआ होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, जब Cl2 पे HNO डालते हैं, HNO, तो यहाँ से 2 Cl डॉट मिलते हैं, दो क्लोरीन मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल किस पे एक्शन करते हैं, CH4 प्लस फ्री रेडिकल, तो यहाँ से बनाते हैं CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, इस तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में से कौन मोस्ट स्टेबल है,
तो मोस्ट स्टेबल जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला है ट्रोपीलियम कैटायन। ट्रोपीलियम कैटायन क्या, C7H7+। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है आपको बताऊँ, स्ट्रक्चर बनाऊंगा तभी ज़्यादा समझ, ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर के बिना कहाँ कुछ समझ में आता है। ट्रोपीलियम C7 और H7+ है ना, तो इसको ऐसे बनाओगे आप CH2 है ठीक। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, ये के सातवां कार्बन। हाइड्रोजन देखो तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। हर गधे, इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या हाइड्रोजन हटा है तभी ये कार्बन लगा है। तो कार्बन कितने हैं, छः रिंग में एक ये कार्बन सात हुई, हाइड्रोजन भी पाँच ये और दो ये सात, H2 है यहाँ पे, ये है ट्रोपीलियम ठीक। इसके बाद हम बनाते हैं ट्राईफेनिल कार्बोकैटायन। ट्राईफेनिल मीन्स, ट्राईफेनिल कार्बोकैटायन इस तरह से होगा, ये पॉजिटिव है और तीन फेनिल ग्रुप लगे होंगे। फिनाइल जानते हो, बेंजीन पे OH लगाओ, फिनाइल बनाओ, ये ट्राईफेनिल कार्बोकैटायन है। आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, अरे ये सब आ गए एलिफेटिक में। एरोमेटिक जो होते हैं उसमें रेजोनेंस होता है, बढ़िया कंजुगेशन होता है। और इसमें भी अगर दो में कंपेयर करो, ये तो पक्का है कि इन दोनों से कम ही है क्योंकि ये एलोफेटिक है, समझ रहे हो, ये एरोमेटिक है, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, कंजुगेशन बढ़िया है। और इन दोनों में भी कंपेयर करें तो इसमें एक अकेली रिंग कंजुगेशन दे रही है, इस प्लस चार्ज को डीलोकलाइज्ड कर रही है, और इसमें तीन तीन रिंग है, तीन तीन रिंग। एक बार ये डीलोकलाइज्ड करेगी पॉजिटिव चार्ज को, एक बार ये, एक बार ये, तो मतलब बहुत मस्त कंजुगेशन मिल रहा है। यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई सारे बनेंगे, तो ये जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ट्राईफेनिल मिथाइल कार्बोकैटायन ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। निम्न वैसे कौन सा मुक्त मूलक सर्वाधिक स्थाई है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल होती है 3 degrees greater than 2 degrees greater than 1 degree greater than मिथाइल फ्री रेडिकल ठीक। तो इसमें देखो 3 degree कौन है, 3 degree के लिए क्या बताए थे, ये कार्बन जो फ्री रेडिकल वाला है वो तीन कार्बन से जुड़ा हो 3 degree, 2 degree के लिए ये दो से ही जुड़ा हो, और 1 degree के लिए ये एक कार्बन से जुड़ा हो, और ये तो 0 degree है ठीक है। CH3 तो CH3 तो नहीं होगा। अब इसमें देखो ये कार्बन किसी से जुड़ा है, केवल एक कार्बन से, इसमें एक ही कार्बन जुड़ा ना, तो 1 degree हुआ, एक कार्बन जुड़ा, दो कार्बन जुड़ा, यहाँ होल ट्वाइस है ना, ये कैसा होगा, इसको बनाओ इधर CH. दो CH3 लगे, तो मतलब ये जो कार्बन है ये दो ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो 2 degree हुआ। ये देखो ये 3 degree कार्बन से तीन CH3 ग्रुप जुड़े हैं इस तरह से, ये फ्री रेडिकल कार्बन है और इससे तीन CH3 जुड़े हैं, CH3, तो ये 3 degree हुआ, तीन कार्बन से जुड़ा है, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 3 degree मोस्ट स्टेबल है, ये ऑर्डर होता है 3 degree is greater than 2 degree is greater than 1 degree is greater than मिथाइल कार्बोकैटायन, सॉरी मिथाइल फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। क्वेश्चन नंबर 47, डी टार्टरिक एसिड एंड मीजो टार्टरिक एसिड आ, तो डी टार्टरिक एसिड और मीजो टार्टरिक एसिड है, ये एक दूसरे के एनेंसियोमर हैं, डाइस्टीरियोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हिंदी में डी टार्टरिक अम्ल एवं मीजो टार्टरिक अम्ल हैं प्रतिबिंब रूप डाइस्टीरियोमर्स, ज्यामितीय समावयवी या संरूपणीय समावयवी। तो आपको बता दूं जो टार्टरिक एसिड होता है, इधर देखिए टार्टरिक एसिड ये दो फॉर्म में होता है, डी और एल फॉर्म में। डी और एल फॉर्म में जब होता है तो इसको बोलते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेंसियोमर, इनेंसियोमर। लेकिन इन दोनों का जब 50% डी होगा प्लस 50% यल होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा क्या होगा, मिक्सचर, अच्छे से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा
उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। और ये कैसा होता है? इसमें 50% डी 50% ये एक दूसरे को भ्रष्ट कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैसा हो जाएगा? डाया स्टीरो स्टीरियोमर्स, डा स्टीरियोमर्स। तो ये दूसरे, ये एक दूसरे जो डी एल फॉर्म है ये अलग अलग है, तो एक दूसरे क्या है, डी जो है एल का एनेंसियोमर है और एल डी का एनेंसियोमर है। लेकिन ये जब दोनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे मिक्सचर में तो वो डाई स्टीरियोमर्स होगा, या मीजो बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मीजो बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर या मीजो बोलते हैं। और ये मीजो या रेसमिक मिक्सचर जो होता है जिसमें 50% डी 50% एल फॉर्म होता है वो डाई स्टीरियोमर्स होते हैं। तो इसमें पूछा है डी टार्ट्रिक एसिड यानी मीजो टार्ट्रिक एसिड, तो डी जो है ये मीजो टार्ट्रिक एसिड के रिस्पेक्ट में डाई स्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगर डी और यल पूछा होता, डी टार्ट्रिक एसिड एंड यल टार्ट्रिक एसिड आर, तो वो हो जाते हैं एनेंसियोमर। ये दोनों क्या है? एनेंसियोमर। डी होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रोरोटरी, डी का मतलब क्या होता है? डी फॉर होता है डेक्स्ट्रोरोटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यल का मतलब होता है लियो रोटेटरी, लियो रोटे टरी। अब आपको बता दें डी ग्रीक वर्ड है, डी डेक्स्ट्रो और लियो ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, डेक्स्ट्रो लियो। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है ग्रीक शब्द में, ग्रीक में देखें तो राइट, जैसे अपने राइट दायां कहते हैं तो ग्रीक भाषा में उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं। लियो का मतलब होता है लेफ्ट, लियो रोटेटरी मीन्स लेफ्ट रोटेटरी बोल सकते हैं अपनी यहाँ की भाषा में। तो लेफ्ट रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करे, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट रोटेटरी, इसका मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाएगी उस कंपाउंड में, तो अगर डी प्रेजेंट हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो राइट साइड में उसको रोटेट कर देगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या उसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस ईजेड आइसोमर, तो ईजेड आइसोमर वही देगा जो सिस ट्रांस दर्शाएगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, आइसोमेरिज्म। मैंने बताया था ना सिस ट्रांस ईजेड, ईजेड सिस ट्रांस और सिन एंटी, सिन एंटी और सिन, यस आर बहुत सारे डी एल ये सब नोमेन के रचन है। जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा उसी में ईजेड आइसोमर दिखेंगे तुमको, तो आप बना के देख लीजिए। इससे पहले भी करवाए हैं इसको, ये जो बी है इसमें सिस ट्रांस मिल जाएगा। कैसे? सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ ए और बी और यहाँ भी ए और बी। अब ये दोनों एक और हैं तो कैसे होंगे? सिस होंगे, सी डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पे एक को कांस्टेंट कर दो, इसको वैसे ही रखो जैसे जैसे थे, यहाँ पे चेंज करो, ऊपर बी कर दो नीचे ए कर दो। अब देखो ये दोनों अपोजिट है, ये भी दोनों अपोजिट हैं, तो कैसा हो गया? ट्रांस। और इसी तरह से ये ईजेड भी शो कर जाएंगे, क्योंकि ईजेड जेड बराबर होता है सिस के, किसके? सिस के इक्वल होता है, और ई इक्वल होता है ट्रांस के। अब उतना टाइम है नहीं कि लेक्चर पूरा लूँ, वरना एक ही टॉपिक पे एक घंटे का लेक्चर जाएगा ईजेड नोमेनक्लेचर पे केवल, तब समझ में आएगा। तो यहाँ बस काम चलाओ, बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49, फिर भी आपके समझ में पूरा आ रहा होगा बहुत ही मस्त तरीके से, है ना। होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? मान लो एक से कंपाउंड है, होमोलिटिक का मतलब बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों बराबर एटम पे जाएंगे, तो इससे जो प्रोड्यूस होंगे वो दो यक्स इस तरह से यक्स फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, या ऐसे लिख सकते हो उनको यक्स फ्री रेडिकल प्लस यक्स फ्री रेडिकल। तो इसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। हेट्रोलिटिक जब होता है, मान लो यक्स वाई है, हेट्रोलिटिक की कंडीशन भी होती है, एक कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज़्यादा एक ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लो वाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है किससे? यक्स से, तो ये अपनी ओर खींच लेगा, तो दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर खींच जाएंगे,
तो एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा निगेटिव। तो इसमें कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन प्रोड्यूस होते हैं। ये हेटरोलिटिक फ्यूजन है, क्या है? हेटरोलिटिक फ्यूजन होता है, ये हेटरोलिटिक फ्यूजन है। ये होमोलिटिक है, होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बनेंगे, हेटरोलिटिक में एक कार्बोकैटायन बनेगा, एक कार्बो एनायन बनेगा। हिंदी में इसको कार्ब धनायन, इसको कार्ब एनायन बोलते हैं, फ्री रेडिकल को मुक्त मूलक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, जो तुमको बताया था फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही है कार्बोकैटायन में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है? इज इक्वल टू 3 degree इज ग्रेटर देन 2 degree इज ग्रेटर देन 1 degree इज ग्रेटर देन मेथिल कार्ब धनायन या मेथिल कार्बोकैटायन। क्यों होता है? क्योंकि जो 3 degree होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 3 degree की बात करें, एक बता दें केवल, ये है 3 degree, CH3 और CH3। ये जो कार्बोकैटायन वाला कार्बन है, इससे जुड़े कार्बन सभी अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। 3 3 6 3 9, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 degree में 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह से 2 degree में कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। आप लोग बना के देख लो या पिछला लेक्चर देख लीजिए मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो 1 degree होगा इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरह से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है? 3 degree में। 3 degree मोस्ट स्टेबल, इसीलिए ऑर्डर सीधा याद रखा करो, 3 degree इज ग्रेटर देन 2 degree इज ग्रेटर देन 1 degree इज ग्रेटर देन 0 degree कार्ब धनायन। यही फ्री रेडिकल में रहता है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का है यही है फ्री रेडिकल का। और कार्ब एनायन का जो होता है वो उल्टा कर दो बस इसका, समझ में आया? तो इस तरह से होता है। तो इसमें देखो, ये है 3 degree, इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं, 3 carbon, और इससे 2 जुड़े हैं, इससे कार्बन से एक ही जुड़ा है, यहाँ पे केवल CH3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक कौन है? तो पैरामैग्नेटिक के लिए बताया था इवन इलेक्ट्रॉन और ओड इलेक्ट्रॉन देख लिया करो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बोरान भी है, तो बोरान पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक वैसे भी बोरान होगा ही, क्यों होगा भाई? इसके पास कम ही इलेक्ट्रॉन है ना, बोरान के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन ना होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 को अच्छा कैसे बनाओ, एक में 2 होंगे, एक में ये अनपेयर्ड हो गया ना, तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मोलिक्यूल इज, NO मोलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, सीधे इलेक्ट्रॉन देखो, 8 इसमें ऑक्सीजन में 8 और नाइट्रोजन में 7, 8 7 15। 15 के लिए कितना बताए थे? 14 के लिए था 3, 14 से नीचे आओगे 15, मतलब 2.5। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 53, ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप द इथेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन मेथनोइक एसिड। ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, सबको पता है CH3, और ये जो है इथेनोइक एसिड, ये मेथनोइक एसिड से ज़्यादा वीक होता है। क्यों होता है ये भी बता दें। CH3COOH ये है इथेनोइक एसिड, HCOOH ये है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड ये है इथेनोइक एसिड, समझ में आया? ये इथेनोइक एसिड है और यह है मिथेनोइक एसिड। अब ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, क्या लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट। कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कैसे पता चलता है? एसिड क्या करते हैं, एच प्लस डोनेट करते हैं, एच आयन जो देता है वो अच्छा एसिड होता है, एच प्लस आयन डोनेट कौन जल्दी करे?